रहा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फिर एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, फिर उसके साथ साथ लोकल कम्युनिटी है जो इनको कोऑपरेट कर रही है, वरना ये एब्सेंट नहीं रह सकती। और इसके लिए तकरीबन हम लोगों ने 2-3 महीनों का टाइम दिया है। अगर हम एक दिलचस्पी के साथ और जज्बे के साथ निकल के कोशिश करें तो मौजूदगी ख़त्म हो सकती है। दूसरी बात अवेयरनेस है, अवेयरनेस हमारे पाकिस्तान की कम्युनिटी में बिल्कुल नहीं है, न होने के बराबर है। तो इसके लिए तकरीबन हम 3-4 महीने अगर हम ये 10-8-12 बंदूक का जो टोला है ये मिल के निकल जाए और इस जज्बे से कि हम इन लोगों को अवेयर करना चाहें, तो हम मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जुमे के दिन मस्जिद का मेंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी स्कूल में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू किसी प्रोग्राम को अरेंज करके वहाँ पर अवेयर कर सकते हैं। फिर इस जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से हम लोगों को जमा करके उनको अवेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम एक एक बंदा उठ के अगर अपने मोहल्ले में अवेयर करना चाहें तो 2 बंदों को अवेयर करें, 2 भी हमारा काम बन सकता है। मेरे ख्याल में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बढ़ते जाते हैं। तो कोशिश करें आज से अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो हम मैं सबसे पहले अपने आप को अवेयर करूँ, फिर उसके बाद अपने घर वाले, साथ वालों को, पड़ोसी को, मोहल्ले वालों को, फिर इस तरह करते करते अपने डिस्ट्रिक्ट और तहसील वगैरह सबको अवेयर करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में अगर ये चीज़ें हल हो जाए तो बाकी लेक ऑफ स्कूल्स और ये चीज़ें आसानी के साथ हल हो सकती हैं। दैट्स इट, थैंक यू। इसके लिए हम मरे हैं, इसके लिए हम मरे हैं सर, आपको पता नहीं है, लेकिन ये हो नहीं सकता है, साथ देने वाले होगा, होगा, होगा। आप लोग हम नहीं होंगे तो हमारे, देखें हमारी जो मेहनत है ना सर, हम जो मेहनत करेंगे मिसाल के तौर पे, इसका फल मुझे ना मिला, मेरी औलाद को जरूर मिलेगा। राइट सर, आपने मुश्किल वक्त में अपना वक्त गुजार दिया, आप आगे बढ़े, वॉलंटियर हम आपके साथ। जी सर, इसमें हमने सबसे पहले ये रखा है कि लोगों को आगाह करना, ये बच्चों के अवेयरनेस मतलब सेकेंडरी लेवल तक, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक, सबसे पहले लोगों को उसके बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में समझाएं कि इसका फ़ायदा क्या है। जिस तरह सर ने कहा कि हम यहाँ से जो लेडीज़ को लेके जाते हैं एबटाबाद या शाह, उसके साथ लेके एक तर्जमान लेके जाना पड़ता है या किसी दूसरे बंदे को या अपने रिश्तेदार को, वही उसके अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा और मुश्किल होते हैं। तो इसलिए कम से कम ये आपस में बैठ के गाँव वाले लोग फैसला करें और एक दूसरे को समझाएँ कि इसमें नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये इस तरह बहुत आसानी से जो है वो उसके बारे में समझ सकेंगे। और बाकी दूसरी जो है, बाजी विलेज में स्कूल हैं और टीचर वगैरह भी हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ तवज्जो नहीं है लोगों का और एडमिनिस्ट्रेशन का तवज्जो नहीं है, सिर्फ वो रूटीन पे आते हैं तनख्वाह लेके फिर वापस चले जाते। तो इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए और वो टीचर के साथ बैठ के या महकमा तालीम के जो अजमदारान हैं उनके साथ बैठ के ये उनसे तय करें और इनसे ड्यूटी लें, उनके साथ ताउन करें जितना हो सकता है लोगों गाँव वाले। तो इस तरह से भी मेरे ख्याल में इसको अपग्रेड किया जा सकता है। और जिस गाँव में स्कूल नहीं है तो वहाँ कम से कम तहसील लेवल पे 1-2 स्कूल हम इंट्रोड्यूस किया है कि जहाँ ज़रूरत हो महकमा तालीम वालों के साथ बैठ कर वहाँ स्कूल जो है, जहाँ आबादी ज़्यादा हो और लोग कोऑपरेटिव हो, तो वहाँ जो है एक मॉडल के तौर पर स्कूल खोला जाए और उसको जो है अप्लाई करके इंशाल्लाह हम बेहतर नतीजे जो है। और चौथी बात है कि कम से कम ये लड़कियों के लिए इनको इस तरफ माइल करने की थोड़ा बहुत वजीफा रखना चाहिए, जिस तरह होता था ये स्कूलों में वो डाटा वगैरह देते थे तो उससे इंटरेस्ट बढ़ जाता। आजकल का जो मशहूर तरीक दौर है उसमें थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट ना हो, अब तालीम का तो इतना बहुत लोगों को पता नहीं है,
इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और हमें यह ज़रूरत है, वो तो बात की बात है। जब एक चीज़ को आप समझेंगे उसका फ़ायदा नुकसान के बारे में आपको पता होगा, फिर उसके बाद आप उस तरफ आएंगे। इससे पहले हमारा ये रिक्वेस्ट है प्रोजेक्ट वालों से कि कम से कम इनके एक दोस्त को में अगर सब में ना हो, किसी एक दोस्त को आप लिफा रख देना है और उसको चेक करना है, अगर इसका बहुत बेहतर लगता है। और दूसरी बात है कि और बाकी जो अवेलेबल इस बंदे ने ट्रेनिंग की जितनी कापियाँ है वो सब जमा की हुई मैंने मैंने